हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर में, जहां पर आज हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर को किस लैंग्वेज में पढ़ा जाए। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग सी प्लस प्लस और जावा और पायथन और सी शार्प। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल लैंग्वेजेज आर देयर, तो बड़ा कंफ्यूजन है सर डेटा स्ट्रक्चर को किस लैंग्वेज में पढ़ा जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग विच लैंग्वेज। लेकिन उसके पहले आप पहले दो मिनट डेटा स्ट्रक्चर को समझिए। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर आपको केवल वो एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है, डेटा स्ट्रक्चर आपको वो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप एक डेटा को इफिशियंट मैनर में सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए रिट्राइवल आपको प्रॉपर मिले, रिट्राइवल डेटा आपको फास्ट मिले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो। पूरा डेटा स्ट्रक्चर इसी बारे में बात करता है, हाउ द डेटा to be stored inside the memory and what is the relation of the data, how to reduce the time complexity, कैसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी के लिए डेटा स्ट्रक्चर ने आपको अलग अलग तरीके दिए हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, अलग अलग एल्गोरिथम दिए हैं। स्टैक है, क्यू का कॉन्सेप्ट है, अरे का कॉन्सेप्ट है, लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, हैशिंग कॉन्सेप्ट है। और यहां पर अब जब बात आती है कि पहली स्टेप में तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, इनके एल्गोरिथम्स को समझिए, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप थॉट हमें लेना होता है कि जब इन एल्गोरिथम्स को हमने पढ़ लिया है, अब मुझे इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो अब इस इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, तो यहां पर अब आप समझिए लैंग्वेज को चूज करने का जो तरीका है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बिगिनर हैं या आप ऑलरेडी कोई लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है, यू ऑलवेज स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर बाय सी और सी प्लस प्लस। अब इसमें भी बात ये है कि यदि आपने केवल सी पढ़ा है और आप डेटा स्ट्रक्चर पे जाना चाहते हैं, बेस्ट चॉइस, गो विद डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज। यदि आपने सी और सी प्लस प्लस दोनों पढ़ा है, अब आप डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जब बच्चे लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो सी पढ़ते हैं, फिर सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, देन आफ्टर द थिंक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। बट देर आर मैक्सिमम स्टूडेंट जो सी के बाद भी डेटा स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब मेरा सजेशन आपको यह रहेगा, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस दोनों पढ़ा है, देन योर प्रेफरेबल लैंग्वेज शुड बी C++। फिर आप C++ पे जाइए, उसका एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि फिर आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ STL के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप C++ जानते हैं तो आप समझते होंगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज क्या होती है। तो यदि आपने दोनों लैंग्वेज पढ़ी है, देन प्रिफरेबल लैंग्वेज इज C++। फिर उस केस में आप C++ पे जाएं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन यहां पर आता है, सर पाइथन और जावा क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपका ड्रीम टॉप MNCs है, अगर आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंडस्ट्री को प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका लॉजिक बिल्डअप, कि कितने ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स के साथ आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। और मेरा यह मानना है कि डेटा स्ट्रक्चर को जब आप सी और सी प्लस प्लस के साथ पढ़ेंगे तो जो लॉजिक बिल्डअप होगा, उतना लॉजिक बिल्डअप आप जावा और पाइथन के साथ नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि जावा और पाइथन आपको इंप्लिसिट लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप जावा से अवेयर हैं, अगर आप पाइथन से अवेयर हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको समझ में आता होगा कलेक्शन कॉन्सेप्ट है, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सारे इंप्लीमेंटेड क्लास है जावा में, ये सारी इंप्लीमेंटेड क्लास है पाइथन में। जब हम कलेक्शन पढ़ते हैं तो हमें सारी क्लासेज इंप्लीमेंटेड मिलती हैं। तो वहां पर बच्चे फिर क्या करते हैं, रादर देन खुद का कोड लिखने के, वो इंप्लिसिट क्लासेस को यूज करते हैं, वो इंप्लिसिट लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, जो गलत भी नहीं है कि जब लैंग्वेज ने वो लाइब्रेरी हमें दी है तो व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर दिस लाइब्रेरी। लेकिन जो मैंने आपको बात बोली है कि एज अ बिगिनर आप शॉर्टकट को ना यूज करें, आप अपने लॉजिक्स पे फोकस करें, और लॉजिक इंप्रूवमेंट के लिए द बेस्ट चॉइस यू शुड गो फॉर सी एंड सी प्लस प्लस। लेकिन हाँ, अब एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि सर हमने डेटा स्ट्रक्चर को सी और सी प्लस प्लस से पढ़ लिया है, अब क्या मुझे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा पढ़ना चाहिए? अगर आप जावा सीख रहे हैं, अगर आप पाइथन सीख रहे हैं आफ्टर सी और सी प्लस प्लस, तो क्या सर मुझे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा भी पढ़ना चाहिए? क्या मुझे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन भी पढ़ना चाहिए? तो आप देखिए, फिर ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे,
फिर ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक बार डेटा स्ट्रक्चर को सी और सी प्लस प्लस से पढ़ने के बाद आपका लॉजिक बिल्डअप इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसके बाद जब आप जावा में उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा। क्योंकि जहां पर आप सी और सी प्लस प्लस में अपना स्टैक इंप्लीमेंटेशन खुद करते हैं, क्यू इंप्लीमेंटेशन खुद करते हैं, वहीं पर जब आप जावा पे जाते हैं तो आपको स्टैक इंप्लिसिट क्लास मिलती है, क्यू इंप्लिसिट क्लास मिलती है। तो आपको यह पता होता है कि ये जो इंप्लिसिट क्लासेस हैं, ये जो इंप्लिसिट लाइब्रेरीज हैं, ये जो एपीआईज हैं, ये बैकग्राउंड में किस तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि वहां पर आपने सी और सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन पढ़ा है, और जब पढ़ा है तो आपने लिंक लिस्ट खुद की बनाई है, आपने डब्ली लिंक लिस्ट खुद की बनाई है, आपने खुद से कोड लिख के पूरा स्ट्रक्चर बनाया है डब्ली लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट का, आपने सर्कुलर क्यू का लॉजिक लगा के उसको इंप्लीमेंट किया है, आपने डब्ली लिंक लिस्ट को खुद से इंप्लीमेंटेशन किया, आपने ट्री के खुद के कोड लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जावा या पाइथन में जाते हैं तो हमें जब लाइब्रेरीज मिलती हैं तो बड़ी खुशी भी होती है कि यार चलो कोडिंग बच गई, अब हमें कोड नहीं लिखना है, ठीक है। तो वहां पर फिर आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो आप लेकिन ये मेरा कहना है आफ्टर सी और सी प्लस प्लस अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को एक बार सी और सी प्लस प्लस में पढ़ लेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब आप जावा और पाइथन में उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। उसका कारण यह है कि आप ऑलरेडी सी और सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन समझ चुके हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूं ये चॉइस बेस्ड है। यदि आप चाहते हैं तो आप जाएं, अदरवाइज Once you know the data structure concept using C and C++, no need to go with the data structure using Java or Python. और आप देखिए जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज कंपनी है, दे रिक्वायर्ड लॉजिक्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, उनको लैंग्वेज स्पेसिफिक पर्सन नहीं चाहिए, उनको लॉजिक बिल्डअप पर्सन चाहिए जिनके लॉजिक स्ट्रॉन्ग्स हो। Microsoft, Google, they always prefer the student जो अच्छे लॉजिक्स के साथ कोडिंग करना जानते हो, और वो जो लॉजिक्स इंप्रूवमेंट है वो आपको बेटर मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहां पे, वो आपको मिलेगा सी और सी प्लस प्लस में। तो ये मेरा सजेशन है आपसे, फिर अल्टीमेटली चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन स्टार्ट विथ सी, अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट विथ सी लैंग्वेज, पहले सी को पढ़ें, फिर ये डिसाइड करें कि आपको डेटा स्ट्रक्चर सी पढ़ना है या पहले सी प्लस प्लस पे जाना चाह रहे हैं। आप सी प्लस प्लस पे जाएं, सी प्लस प्लस को पढ़ें, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन करें सी प्लस प्लस के साथ, और फिर फ्यूचर में अगर आपकी चॉइस है तो फिर आप जावा पाइथन के साथ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमने सी और सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा, हमने डायरेक्टली पाइथन को पढ़ा हुआ है ना, वी नो द पाइथन कॉन्सेप्ट डायरेक्टली, हमने पाइथन पढ़ा है, स्टार्टिंग बिगिनिंग लैंग्वेज हमारी पाइथन थी, वी डोंट नो द सी सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिर इस केस में मेरा सजेशन आपसे यह है कि फिर आप वापस बैक सी और सी प्लस प्लस पे ना आए। यदि आप पाइथन पढ़ चुके हैं तो फिर आप तरीके से ईमानदारी से रादर देन इम्प्लिसिट लाइब्रेरी को यूज करे बिना पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अपने लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट करके देखें। आप उन लाइब्रेरीज को कम प्रेफर करें, आप जावा में उन लाइब्रेरीज को कम प्रेफर करें जो आपको इम्प्लिसिट इंप्लीमेंटेशन देती हैं। आप अपना खुद का लॉजिक लिखें, क्योंकि आप देखिए एज अ बिगिनर सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डअप। हाँ, एक बार आपने अपना खुद का लॉजिक लिख के स्टैक बनाया, अब आप देखिए स्टैक क्लास का इंप्लीमेंटेशन, अब आप देखिए लिंक लिस्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन। तो जावा और पाइथन से भी अगर आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर इस बात का ध्यान रखिए कि रादर देन इंप्लिसिट, या एज अ बिगिनर बात हो रही है, एज अ बिगिनर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। ओके, देखिए मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, हमेशा लैंग्वेजेस दो तरीके से सीखी जाती हैं, एक कंपनी में जाने के लिए और एक कंपनी में रहने के लिए। अगर कंपनी में जाना है तो लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा, और अगर कंपनी में रहना है तो इम्प्लिसिट लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ेगा। कि फिर उसके बाद जब आप कंपनी में आपकी जॉब लग गई, और अगर आपको लगता है कि किसी प्रोजेक्ट में आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यदि आप कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है, तो फिर आप अपना खुद का कोड लिखने के बजाय आप डायरेक्टली इंप्लिसिट लाइब्रेरीज को यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरीज के पीछे की कहानी क्या है, आपको पता है स्टैक क्लास पीछे किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर रही है, क्योंकि आपने खुद ने उसका कोड लिखा हुआ है। तो ये तरीका होता है डेटा स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का, और इस स्टेप से अगर आप चलेंगे तो बॉस मेरी श्योरिटी है कि आप 110% टॉप एमएनसीज तक पहुंचेंगे। इसके अलावा एक चीज और जो बात करते हैं, यदि आप कोड कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कोड कंपटीशन आपसे डायरेक्टली इंप्लिसिट लाइब्रेरीज पे बात करेगा या लॉजिक्स पे बात करेगा? ऑब्वियस सी बात है लॉजिक्स पे बात करेगा। तो यदि आप कोई कोड कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, आपको कोड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, तो फिर बॉस द बेस्ट चॉइस यू शुड गो फॉर सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, लेकिन फिर वही कहना है मेरा, यदि आपने पाइथन पढ़ा है
और आप पाइथन को एज ए बिगिनिंग लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, तो इम्प्लिसिट लाइब्रेरीज को अवॉइड करें और खुद से जितना मैक्सिमम कोड आप लिख सकते हैं, जिस लेवल तक कोड आप लिख सकते हैं, खुद का कोड लिख के आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करें। अब यहां पर जब बात आएगी तो आप देखिए, डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे आपको डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का भी कोर्स है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस भी है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा भी है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन भी है, फिर ये चॉइस आपकी अपनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे सजेशन पे जा रहे हैं तो मैंने अपना सजेशन आपको दे दिया है, तो रेस्ट इज अप टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मुलाकात होती रहेगी, बस बने रहना है और पढ़ते रहना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।